देखते रहिए बहुजन इंडिया 24 बहुजन प्रेरणा समाचार पत्र। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। बहुजन इंडिया 24 न्यूज के पत्रकार के साथ मारपीट, दबंगों ने पीट पीट कर लाठियों डंडों से किया अधमरा। घटना की आशंका से पहले ही 2 महीने पहले ही पुलिस अधीक्षक से किया गया था शिकायत। आइए देखते हैं आंखों देखा हाल। चंद्रशेखर जी, क्या मामला लेकर आज जिलाधिकारी के पास आए हैं आप? जिलाधिकारी के पास आए थे हमारे चौकी इंचार्ज हरिश्चंद सिंह, बिना काम के हमें 9 बजे रात को आए, बोले एसओ साहब बुलाए हैं आपको है। चलिए। मैं कहा सर जी क्या मामला है, मामला तो बताइए सर। बोले मामला हमें नहीं पता है, एसओ साहब को पता है। तो मैंने एसओ साहब के पास फ़ोन किया सर जी, मैंने कहा कोई हमारे नाम से मुकदमा दर्ज है या क्या है। तो बोले यहाँ तो कोई दर्ज नहीं है, फिर भी जो है हरिश्चंद जबरदस्ती बोले जबरदस्ती चलो थाने पे। थाने पे ले गए, एसओ साहब बोले कि जो है कि भैया हमें कुछ पता ही नहीं है, यहाँ क्यों ले आए। फिर भी जो है बोले नहीं, ये बहुत जो है लवकुश सिंह मंडल अध्यक्ष हैं, हमें पैसे दिए हैं उसी कारण हम जो है। अच्छा, लवकुश उनको पैसा दिए थे चौकी इंचार्ज को, इस वजह से आपको पकड़ के लाए। जी जी जी। अच्छा, तो फिर क्या इसीलिए कप्तान के आपने नहीं दिया पुलिस अधीक्षक को? कप्तान के पास आए हैं तो, जो एप्लीकेशन देने बिना कारण के हमें जो क्यों पकड़ ले गए 9 बजे रात को। और ये असलहा जो है असलहाधारी है लवकुश सिंह, इसको भेजते हैं गांव में सबको थमकाने के लिए, मारने के लिए, जान से मार देंगे। उसके बाद जो है हम आए हैं यहाँ। कब की घटना है? कल की घटना है ये। कल की घटना है? जी कल की घटना है। इसमें पुलिस अधीक्षक को दिए थे लेटर? लेटर दिए हैं। क्या हुआ? आप लाइन दिए थे? कुछ नहीं हुआ, बोले यहाँ कुछ नहीं होगा, सुनवाई कुछ नहीं होगा, इसलिए कप्तान साहब के पास आए थे कि सर जी यहाँ से देखो सुनवाई होती है कि नहीं होती, नहीं होगी तो जो हम मानवाधिकार जाएंगे उनके खिलाफ कि बिना कारण के हमें क्यों उठा ले गए हैं जो है। और अनुसूचित जात होने के कारण हमें गाली भी दिए जो है। अच्छा, जात सूचित को सब उल्टा सीधा जितना हो सका उनको धमकी दिए, 2-4 डंडे मारे भी। अकेले थे वहाँ, तो हम क्या कर सकते थे, जो गाली दिए जो मारे मतलब बिना वजह के मारे, बिना वजह के मारे, ना कोई दरखास्त पड़ा है, ना कोई एप्लीकेशन है, ना कुछ है,
बोलते हैं लाखो सिंह करा रहे हैं, पैसे हमें दिए थे इसलिए तुम्हें पकड़ के ले आया हूँ, इसलिए मार रहा हूँ। किसको एप्लीकेशन दिए हैं, पुलिस अधीक्षक को दिए हैं कि जिलाधिकारी को दिए? पुलिस अधीक्षक को। जौनपुर जिले थाना अंतर्गत महाराजगंज कवंसा से ये दलित महिलाएं आए हैं, दलित लोग आए हैं, इनके साथ भाजपा सरकार में अत्याचार हो रहा है। भाजपा मंडल अध्यक्ष लवकुश द्वारा इनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, इन्हें इन लोगों को दौड़ा दौड़ा मारा जा रहा है और काफ़ी लोग असलहे के बल पे आए थे, रात में जो है इन लोगों के पास उत्पीड़न किए, जिसको इन्होंने शिकायत 100 नंबर पे की, 112 नंबर मौके पे आई, अभी तक इन लोगों को कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, नाम बताएं, नाम कर बसपा ने 2022 में सरकार बनाने के लिए कसी कमर। कितने अन्य लोग हैं जो अतला लेकर और गोलबंदी करके आप लोगों के खिलाफ आप लोगों के मुंह पर अत्याचार कर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, चौकी इंचार्ज जब कोई शिकायत करने जाता है तो उसको उठा लेते हैं, अभी इन चंद्रशेखर को नजायज उठा लिए थे। यहाँ बताएं इसके संबंध में। अरे चंद 9 बजे आए, हम कोई काम नहीं किए, कोई कुछ नहीं किए, बोले लाखों से बोले हैं पैसे दिए हैं तुम्हें उठा कर लेकर उठाने बंद कर, और ऐसा साहब तुम्हें फोन किए तो कह रहे हैं यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आपको नहीं आना है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती हरिश्चंद ले गए हमें थाने से, वहाँ पूछने पे तो साहब मना कर दिएगा यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई, खाली पैसे लेके हरिश्चंद काम करते हैं बस। आइए, चौकी इंचार्ज ABS चौकी थाना महाराजगंज के अंतर्गत फर्जी ढंग से भाजपा मंडल अध्यक्ष लवकुश के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है, उनके कहने पे यहाँ दलितों को बारी बारी उठाया जा रहा है, इनके पास उत्पीड़न हुआ जा रहा है और आप लोग फोटो दिखाइए जो कट्टे लेकर आए थे, आप लोग फोटो दिखाइए सभी कट्टा लेकर आए थे। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन साथियों से हम उम्मीद करते हैं हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, ये फोटो है, ये फोटो देखिए, यही है सनी सिंह उर्फ गोलू सिंह। सनी सिंह उर्फ गोलू सिंह कट्टा लहराते हुए लोगों को दहशत बनाए हुए हैं, कह रहे हैं दाग देंगे, मार देंगे, किसी प्रकार से उत्पीड़न। ग्राम सभा सवंसा थाना अंतर्गत महाराजगंज भाजपा मंडल अध्यक्ष लवकुश के इशारे पे यह सब घटना हो रहा है। यहाँ सारी महिलाएं भी हैं, हम इन महिलाओं से भी जानना चाहेंगे। हाँ बताइए आप लोग। मैं दलितों के साथ इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, थाना इलाका महाराजगंज में कोई सुनने वाला नहीं है, इन लोगों ने बराबर
ऑफलाइन से लगा के ऑनलाइन आवेदन किया, बराबर थाने पे जा रहे हैं इस संबंध में शिकायत करने, उल्टा थाने पे इनको बैठा लिया जा रहा है। मंडल अध्यक्ष लवकुश सिंह के कहने पर ब्यूरो रिपोर्ट, संतोष कुमार, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। फोटो ले फोटो। महाराजगंज थाना अंतर्गत सौनसा में दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, जिसके लिए यहाँ दलित महिलाएं यहाँ पे आई हैं, ज्ञापन दी हैं। यहाँ पे भाजपा मंडल अध्यक्ष लवकुश सिंह द्वारा सनी उर्फ गोलू से असलाहे के बल पे लोगों को डरवाया जा रहा है, मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ पे सूचना पा के माननीय कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आए हैं, हम उनसे भी इस संबंध में जानना चाह रहे हैं कि क्या यह सरकार दलितों की कितनी विरोधी है, थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं। जिला अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के इन्होंने बताया दोषियों को तत्काल कार्रवाई करके जो दोषी होते हैं उनको कठिन से कठिन सजा दी जाए, जिससे अराजकत्व का माहौल न पैदा हो। इस संबंध में हम यहाँ पे उपस्थित सभी लोग, जो ग्रामीण महिलाएं आई हैं, सभी ने यहाँ अपना अपना बयान दर्ज कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, संतोष कुमार, चौधरी, उत्तर प्रदेश। बताया जा रहा है कि जब 24 न्यूज अत्याचार अन्याय हो रहा था दलितों के साथ, संतोष गौतम जी के ऊपर बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने कराया है मारपीट। मारपीट के पीछे बीजेपी मंडल अध्यक्ष का हाथ है, जिसकी वजह से थाना महाराजगंज की पुलिस इन पे रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। और सीओ पुलिस उपाधीक्षक सीओ बदलापुर बीजेपी के दबाव में आकर एससी एसटी का मुकदमा नहीं पंजीकृत कर रहे हैं, जबकि पुलिस उपाधीक्षक ने मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेशित कर चुके हैं। मैं बहुजन प्रेरणा दैनिक समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ पद पे जौनपुर में नियुक्त हूँ। ग्राम सभा में दलितों के साथ हो रहा है अत्याचार के खिलाफ ग्राम सभा वासियों ने जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिए थे 25/6/2021 को, जिसका मैंने पोर्टल के माध्यम से, चैनल के माध्यम से प्रकाशित किया। प्रकाशित करने के बाद 26 तारीख मैं महाराजगंज बाज़ार से दवा लेके और पत्रकारिता करने के वेश से महाराजगंज से घर से वो घर आ रहा था। हमारे साथ में चंद्रशेखर भी बाइक पे बैठे थे। डेलीपुर नहर की पुलिया पे 10 से 12 की संख्या में, जिसमें ये देवेंद्र प्रताप उर्फ लवकुश सिंह जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, उनके साथ सनी उर्फ गोलू सिंह, उनके साथ में निखिल सचिन पुत्र विनोद, उनके साथ सौरभ सिंह, उनके साथ विभूत सिंह, बच्ची सिंह
और उनके सहयोगी शुभम सिंह, दयाल सिंह और अन्य अतिरिक्त अज्ञात एकाएकि हमारे ऊपर हमला कर दिए, जिससे हमारे गंभीरी चोटें आई। वो लोग मारते पीटते थे, मैं बेहोश हो गया। मैं अनुसूचित जाति से हूँ, मुझे जात शक्तों से भी अपमानित किया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने सूचना पाए, मौके पाए, तब तक मारते थे कहें आज इनको जान से ख़त्म करते हैं, जिससे शरीर में गंभीर चोट आई। हमारी पैर टूट गई, पैर की कंडीशन ये है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है। 25 तारीख को मैं हमारे परिवार के लोग थाना पे गए, एम्बुलेंस के द्वारा थाने पे गया। यहाँ थाने पे एसओ महाराजगंज को लिखित तहरीर दिया गया। 9 बजे क्षेत्राधिकारी बदलापुर भी आए, वहाँ पे इन्होंने कहने लगे कि लवकुश सिंह का नाम FIR से निकलवा दो, तभी FIR दर्ज होगा। हमारा FIR दर्ज नहीं किया गया। उसके बाद हमें हमारे परिवार के लोगों ने 2 बजे रात थाने से एम्बुलेंस 108 के द्वारा समुदाय केंद्र महाराजगंज से रिफ़र करके जिला चिकित्सालय में लाए, जिसमें जिला चिकित्सालय में हमारा इलाज चल रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पे जौनपुर के लाइन बाज़ार थाना अंतर्गत मेडिकल कराया गया, जिसमें पूरे शरीर का मेडिकल हुआ, फ्रैक्चर भी है। अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोनू सनी उर्फ गोलू पूरे गांव को दहशत बनाए हुए हैं, असलाह लेके चलते हैं। इससे पूर्व में मैं कई बार आवेदन कर चुका हूं, हमारे जान के खतरा है इनके खिलाफ, लोकोस के खिलाफ हमारी पत्नी भी आवेदन कर चुकी है, हमारे जान का खतरा है। मगर एसओ महाराजगंज के मिली भगत से सारी घटनाएं कराई जा रही है। जब मैं रात में 25 तारीख को थाने पे हमारे परिवार के लोगों ने गया, तो एसओ महाराजगंज कह रहे हैं तुम्हारी लाश यहाँ हम ख़त्म करवा के फेंकवा देंगे, तुम्हें हम मरवा देंगे। सारी घटनाएं एसओ महाराजगंज के मिली भगत से हो रहा है। हमें न्याय चाहिए, आज तक हमारा FIR नहीं दर्ज हुआ। बहुजन इंडिया 24 न्यूज व बहुजन प्रेरणा दैनिक समाचार पत्र को देखने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।